नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस निकले 844वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, सो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में हिंदी माध्यम से हैं और अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है किसी कारणवश आप अंग्रेज जो है स्कूल में आपने कभी इस तरह की पढ़ाई नहीं की होगी, जो कि लोग आर्थिक कारण से जो है कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है, तो वैसे में इंग्लिश चूँकि आज के समय में चूँकि आपके काम में भी ज़रूरत होता है और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के बिना जो है कुछ होने वाला नहीं। तो इस सबसे ज़रूरी होता है कि अंग्रेज़ी को कैसे पढ़ा जाए, उसको कैसे पढ़ा जा सके तेज़ी में, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, इंग्लिश को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे जो है कारण है जो कि अंग्रेजी नहीं पढ़ पाने का, वो सब तो आपका व्यक्तिगत कारण है ना, लेकिन उसको जो है अब सॉल्व कीजिए, यानी कि अब इंग्लिश जो है पढ़ना सीखिए बहुत ही अच्छी तरह से। मैं बताऊंगा, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कोई भी इंग्लिश के वर्ड को आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी होगी, उसको आपको करना भी होगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी सीख सकें। देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी रखनी होगी। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, पहला बात। और देखिए, 26 लेटर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट में ABCD होते हैं और इसे जो है जड़ तक जो है लिखा जाता है, और यही अल्फ़ाबेट है, लेकिन आज भी इसे लोग जो है ABCD ही कहकर बुलाते हैं। अल्फ़ाबेट बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन खैर इसको दो पार्ट कर दिए जाते हैं, AE, I, O और U। ये जो पाँच है दोस्तों, पांच भोवेल कहे जाते हैं, और ये भोवेल ही मुख्य रूप से जिम्मेवार है कि अंग्रेज़ी कोई पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, या कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्यों जो है समझ में नहीं आ रहा है। लोग समझने में का प्रयास करते हैं कि भाई आखिर इस तरह से क्यों पढ़ा जाता है, कोई वर्ड को ऐसे क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों नहीं एक्यूरेट पढ़ पा रहे हैं। तो मेन कारण यही होता है कि भोवेल के बारे में जानकारी नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसकी संख्या जो है उच्चारण करने का तरीका जो है छः, यहाँ पर जो है भोवेल प्लस डबल ओ है, डबल भोवेल्स कहते हैं इसको, और ये 23 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। अब जो बचता है 21, 21 और है, तो ये जो 21 है दोस्तों, कहीं ना कहीं से कॉन्सोनेंट का पार्ट होता है, जो लेटर्स होते हैं 21 जो बचते हैं, आप जो आपने यहाँ देखा वही चीज़ आप जो भी रेड में है, रेड मार्किंग वाला यहाँ पर जो लेटर्स है वो आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्सोनेंट में, और ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है इसका उच्चारण करने का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो 21 होते हुए भी जो है 41 तरह से आप इसे काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और अंग्रेजी पढ़ने में आपको सहायता देने वाले कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के रूप में जाने जाते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड जिसके अंदर सफिक्स पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स पार्ट होते हैं, कुछ वॉवल्स को समझ के, कुछ डबल डिफथोंग्स वर्ड्स होते हैं, उसको समझ कर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा सकता है अंग्रेजी को। तो सब पे बात करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये तो अल्फ़ाबेट था, इधर वर्णमाला पे आते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला एक नहीं है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट और हिंदी व्याकरण में ग्रामर पढ़ा जाता है। ये आज से नहीं, हिंदी का जन्म अगर जब हुआ है तो वर्णमाला से ही हुआ, अगर इंग्लिश का जन्म हुआ तो अल्फ़ाबेट से ही हुआ, ये तब से है। इंडिया में हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, और जो भी इंडियन जहाँ इंग्लिश बोली जाती थी शुरुआती, वहाँ या आज भी या कहीं भी अल्फ़ाबेट ही पढ़ा जाता है, लेकिन अब दोनों में समानता हो गई है। जिस देश में भी जाइए, जो भी भाषा उठाइए, अब अंग्रेजी को लेकर जो है समानता बना दिया गया है। ये सब अंग्रेज़ों के वजह से हुआ है। तो जहाँ जहाँ वे गए अपना प्रचार प्रसार किया, और उनके उस किस जो भी भाषा रहा उस भाषा का जो है मिलते चले गए। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा। देखिए, इसीलिए हिंदी का जो है अंग्रेजीकरण कर दिया गया वर्णमाला में। देखिए, वर्णमाला के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लेटर्स हैं, यहाँ पर जो है स्वर व्यंजन होते हैं, तो ये जो है स्वर जो है 14 और ये जो व्यंजन जो है 36, दोनों को मिलाकर 50 होते हैं। इन दोनों का स्वर का भी अंग्रेजीकरण किया गया और व्यंजन का भी, तभी तो हम लोग किसी का नाम जो है बहुत ही सफलतापूर्वक लिखते हैं। मान लीजिए किसी का नाम जो है मनोज है, भाई मनोज जब लिख देते हैं, या मान लीजिए मनु है, तो मनु लिखते हैं यानी छोटा में लिखते हैं, यानी कि जाहिर सी बात MANU इस तरह से लिखा गया। हम नहीं तो मान लीजिए कि इंग्लिश का सेंटेंस लिखा जाता कि आई एम मनु, ऐसा कहते हैं ना, तो क्या लिखते हैं IM, और हिंदी का लिखते हैं आप इस तरह से लिखते थोड़ी मनु। अगर ये व्यवस्था होती, चूँकि व्यवस्था है
तो यही व्यवस्था चलता है इंडिया में, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। इंग्लिश यहाँ मनु की जगह आपको लिखना होगा MANU। तो ये कैसे संभव हुआ? ये वर्णमाला जो था हमारे पास, जिसके अंदर स्वर और व्यंजन थे, उसका अंग्रेजीकरण कर दिया गया, और यानी कि उसको लिखने का तरीका बता दिया गया कि भाई इस तरह से लिखे। लेकिन इसमें बहुत सारे जो है अभी भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, तभी लोग करेक्ट लिख पाते हैं, तो उस पर अलग से बात हो सकती है। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं तो वर्णमाला का ही ले लेते हैं। तो वर्णमाला का पहला पार्ट जो है दोस्तों स्वर है। यहाँ पर उच्चारण देखिए, वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर है। उच्चारण 14 तरह से हो सकता है, लोग 13 तरह से तो जानते ही जानते हैं, 14वां मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब 14वें की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन यूज़ ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। देखिए ये अ, ठीक है, अ है, आ, ई, उ, री, री, है ना। तो अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कर का इस तरह से हो, बड़ी कर का ये हो गया, ऊ कर का हो गया, बड़ी ऊ कर का है, री का हो गया, बड़ी री का हो गया। अब अ के लिए देखिए क्या लिखेंगे, ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, छोटी के लिए ई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आए, बड़ी री के लिए आर डबल ई। अब देखिए ए, ए, ओ, औ, अन, अ, तो ए को इस तरह से चिन्हते हैं, ए को ये मात्रा चिन्ह है, ओ को एक ऊपर एक नीचे, औ को दो ऊपर एक नीचे, अन को ये हो गया, और अह के लिए जो है तो यहाँ पर जो है दो इस तरह से विसर्ग रखते हैं। तो ए का ई, आय का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच, जो तीन है तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक रखिए, क्योंकि ये ही जो चीज़ है आपको लोग भूलते हैं, आप नहीं भूले। जहाँ पर स्वर डायरेक्ट रहता है वहाँ पर उस डायरेक्ट समझेंगे, उस अंग्रेजी लिखेंगे, जहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हिंदी के ज़्यादा शब्दों में मात्रा चिन्ह का ही प्रयोग देखते होंगे, जो ये सब है मात्रा चिन्ह, समझ रहे हैं ना, जो ऊपर जो मैंने लिखा है। जैसे मान लीजिए लिख दिए अनिल, ठीक है, तो अनिल लिख दिए, इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर अ तो डायरेक्ट आ ही गया, और नी के लिए छोटी इकार की मात्रा इस्तेमाल लिया, ल में भी अ है, ल में भी अ है, ये कैसे लिखा जाता है इस बात पे भी मैं चर्चा करूँगा। तो इसको याद करिए अच्छे से, और बहुत ज़रूरत है याद करने का, और एक्सरसाइज आपके लिए यही है, एक समझिए कि होमवर्क समझिए, एक्सरसाइज समझिए, जो भी समझिए, तो एक्सरसाइज ये रहा आपका एक्सरसाइज, ये होमवर्क, कि भाई आप जो है हिंदी के कोई सेंटेंस ले लीजिए, कुछ सेंटेंस ले लीजिए, और उसको लिखें, जो भी जैसा ही मात्रा चिन्ह है उसके अनुसार इसको कन्वर्ट करते चलें। लेकिन उसके पहले स्वर और व्यंजन को अच्छे तरह से याद रखिए, नहीं याद रख पाते तो कॉपी पे लिख लीजिए, उसके अनुसार उसको बदलते रहिए। ये किसी का नाम को बदलिए, अपने घर के सभी लोगों का नाम लिखिए, उसको बदलिए। तो चले अब देखिए व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन की संख्या क्या है? 36 है, ठीक है। ये सभी के सभी व्यंजन जो होते हैं अपने आप में कह सकते हैं ये आधा अधूरे अक्षर है, आधा आधा अक्षर है। जैसे अब कहे आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ क, लेकिन एक्चुअली इसे आधा क बोलेंगे, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंग, ये सभी के सभी आधा ही हैं। हम आप कैसे पढ़ते मुझे नहीं पता, अगर कुछ विद्वान हो तो उसका शायद कुछ सही उच्चारण निकाल ले। अब क बोलेंगे तो जाहिर सी बात है ये क है नहीं, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, और बड़े बड़े विद्वानों से पूछ सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। अब देखिए ये क कैसे बनेगा, क कैसे होते हैं, क किस तरह लिखा जाता है ये समझिए। तो किसी व्यंजन में जब कोई स्वर मिला लीजिए, किसी व्यंजन में जब कोई स्वर मिला लीजिए तो ये तब क्या बनता है, तो एक अक्षर बन जाता है, ठीक, क्या बनता है, एक अक्षर बनता है। किसी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाएंगे तो अक्षर बनता है। तो पहले अच्छा समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैंने आधा क ले लिया, इसको पूरा बनाना है, तो पूरा बनाने के लिए अ मैंने जोड़ दिया, तो हो गया हमारा ये पूरा क, यानी कि अक्षर। अगर अगर लिखा रहा लिखा है ना, पूरा अक्षर हो गया, तो ये है क्या, व्यंजन है, समझ लीजिए, ये स्वर है, ये क्या है दोस्तों, ये व्यंजन है और ये स्वर है, और ये है हमारा अक्षर, ठीक है, व्यंजन है, स्वर है, और ये अक्षर है। तो आप समझ चुके होंगे कि क के लिए के जब लिखेंगे तो ये कंप्लीट नहीं है के, यहाँ एक अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये कंप्लीट नहीं, आधा क ही बन जाएगा, जब तक किसके साथ अ नहीं लिखेंगे। अ के लिए अंग्रेजी क्या होता है, अ, ए, तो अब ये जो है कंप्लीट क हो गया, यानी कि अगर सिर्फ के लिखते तो समझते कि वो आधा क है, आधा क के बारे में, जैसे कि मक्खी मान लिखते हैं, मक्खी, ठीक है, मक्खी लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, एम ए, ये पूरा क बना दिए, के है ना, खी के लिए के एच, डबल ई लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता लिबर्टी दी गई है,
तो आप इस तरह से मक्खी लिखते हैं, तो आधा क का मतलब आधा क होता है, के का मतलब सिर्फ के लिखते हैं तो आधा क, है ना। तो अब देखिए अक्षर में जोड़ते हैं, तो अक्षर अक्षर को अक्षर में जोड़ लीजिए, तब हमारे पास बनता है दोस्तों शब्द। अब शब्द क्या है ये तो मैंने बता दिया आपको, मक्खी जैसे लिख दिया मैंने, म आधा क खा खी, खी कैसे लिखा गया तो बड़ी कार उसमें जुड़ गया ना, जैसे मान ली ख यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस करके बड़ी इकार जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है दोस्तों खी मक्खी, इस तरह से खी हो गया मक्खी हो गया। तो सब अक्षर अक्षर को मिलाकर शब्द होता है, और शब्दों के समूह को दोस्तों शब्द के जो समूह होते हैं उसको वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इस बात को याद रखिए कि जब किसी भी एक व्यंजन को लेंगे उसमें कोई एक स्वर जुड़ता है तब 14 में से कोई एक जुड़ जाएगा, अ का सिर्फ मात्रा चिन्ह ही है इसलिए नहीं दिखता, बाकी सभी का दिखते हैं तो अ जुड़ते हैं तब तो वो या जो भी स्वर है जुड़ते हैं तो अक्षर बनता है। अक्षर को अक्षर में जोड़ देने से एक शब्द बन जाएगा, शब्दों के समूह को वाक्य बनता है, वाक्य से जो है टेक्स्ट बन जाते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, उसके बाद कहानी किताब उपन्यास का शक्ल ऑटोमेटिक जो है ले लिया जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिए, जो क से लेकर ज्ञ तक का अक्षर है इसमें देखिए कुछ विशेष रूप सावधानी, अंगा लोग नहीं याद रख पाते हैं, इया लोग भूल जाते हैं, और अक्षत्र को याद विशेष रूप से रखिए क्योंकि इसका आप खुद भूल जाएंगे, बाकी सब कुछ याद हो जाएगा लेकिन ये सब चीज़ अक्सर भूलते हैं लोग। तो अब देखिए टठड़ न तथा न को याद रखिए, टी टी एच डी डी एच एन का इस्तेमाल होता है, और सभी देखेंगे कि हर दूसरे का तीसरे के साथ दूसरा और तीसरा व्यंग के साथ जो एच का प्रयोग किया गया है ना। आप यहाँ देखिए जब मैं सर्कल करता हूँ दूसरे का तीसरा चौथा है ना, तीसरे के बाद चौथा दूसरा पहले के बाद दूसरा और तीसरे के बाद चौथा में एच का प्रयोग किया गया है, बस यह तक एक बात था। अब चलिए शब्दों पे चलते हैं, कैसे लिखा जाता है कैसे समझाता है। मान लीजिए कि मैंने लिखा रमेश, ठीक है रमेश लिखते हैं, सिंपल सा बात है रमेश कैसे लिखा जाएगा, रमेश रमेश का अंग्रेजी कैसे किया जाए, तो र ये व्यंजन है इसमें मैंने अ जोड़ दिया, अ जुटता है क्योंकि र में अ है, कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें अ है और म है, म में मात्रा चिन्ह दिख रहा है ना ए कार का, यानी आधा म में, तो ए कार का ए लिख देंगे। अब देखिए तालाब श है, तालाब श में कौन सा मात्रा चिन्ह जुड़ा हुआ है आप सोचिए, तो अ जुड़ा हुआ मात्रा चिन्ह है ना। यहाँ पर देखिए र प्लस अ म प्लस ए अस प्लस ए अ, लास्ट में हिंदी के शब्दों में अ के लिए कोई मतलब कि भव्य लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अ के बाद कोई भी स्वर होता है तो लिखेंगे ही लिखें। अब देखिए र से पहले तो व्यंजन याद रखना होगा, तो व्यंजन याद है मुझे र, र के लिए होता है आर, तो आर लिख लेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अ के लिए क्या लिखेंगे तो ए के लिए ए दे देंगे, म के लिए क्या लिखेंगे तो म, म से होता है एम तो एम लिख देंगे। अब ई के ए के लिए क्या होता है, ए के लिए तो इसका मात्रा चिन्ह होता है ई, तो यहाँ लिख देंगे ई। एस एच तालाब विषय के लिए एस एच, तो एस एच लास्ट में तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, रमेश सिंपल सा सिंपल तरीका। मान लीजिए कि ये लिखा गया सीता, हम लिखते हैं सीता समझाने के लिए थोड़ा सा, सीता में क्या करते हैं एस आई टी ए, सिंपल तरीका मैं बता दूँ, तो आई बड़ी आकार के लिए डबल ई लिखना चाहिए आकार के लिए, तो ए तो यहाँ ठीक है लेकिन डबल ई क्यों नहीं लिखा गया, तो दोस्तों ये लिबर्टी ली गई है कि बड़ी कार होने पर भी अक्सर जो है छोटी कार बड़ी उकार होने पर भी जो है, यानी कि बड़ी उकार होने पर भी छोटी उकार डबल ओ के जगह यू का इस्तेमाल होता है, यानी कि छोटी यू का इस्तेमाल होता है, तो ये सब लिबर्टी ली गई है। तो चलिए अब बात करते हैं स्वर जो है कॉन्सोनेंट में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कॉन्सोनेंट के बारे में जानिए कि अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दें, जो बचता हुआ सारे सारे कॉन्सोनेंट है जिसमें जो 21 ये कॉन्सोनेंट है इसका उच्चारण करने का तरीका कितने तरह से होता है ये समझिए, मैंने बताया ना कि 41 तरह से उसका घुमा फिरा कर उच्चारण कर सकते हैं। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, स बोलते हैं, ये स कब बोलते हैं सी को, जब सी के साथ जब ई लेटर्स रहता है तब स बोलते हैं। डी को ड बोलते हैं और ज भी बोलते हैं, ये ज कब बोलते हैं उसके लिए मैं बताऊंगा कि डी को जब कौन कौन मतलब कि कब कौन सा वर्ड में आएगा ये सुनने पे पता चला है कि यहाँ पर ड द ना ज उच्चारण होगा। फ बोलते हैं एफ को, जी को ग भी बोलते हैं, ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, ठीक है। अब देखिए जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, और उसके बाद
क्यू, क्यू को क्यू, आर को र। अब देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि आर को र तो बोलेंगे, आर को ड क्यों बोलेंगे। अब बताइए एक सिंपल सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आर को र क्यों बोलेंगे, ठीक है, आर को र क्यों बोलेंगे, ये पहला सवाल। ब को बी, ब क्यों बोलेंगे, बी को ब क्यों बोलते हैं। आप कहेंगे व्यवस्था यही दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जब व्यवस्था यही दी गई है हमारे उच्चारण पे ये सब सेट किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है आर के लिए ड का इस्तेमाल होता है, ड ड ड का इस्तेमाल तो कि न कि ड का ड, ठीक है। तो ड है, ड नहीं ड है, और र ड में अंतर नहीं होता है, कारण कि कुछ एक्सेंट को लेकर आप बिहार के, बिहार राज्य में अगर जाते हैं वहाँ पर जब बोलता है लोग ना, तो र जो ड के रूप में उच्चरित होता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो क्रिएट, इसलिए मैंने जो है लिख रखा है भाई कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो भाषा में थोड़ा सा जो है एक्सेंट को लेकर, उच्चारण को लेकर तो है ही। अब अंग्रेज ए को ए बोलेंगे तो लगेगा कि स्टाइल से बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है उनका वो बोलने का, वहाँ जो एटमोसफेयर है उसके वजह से वो लोग बोलते हैं। हमारे इंडिया में जो एटमोसफेयर है या जो कह सकते हैं जो हमारा बोली है, मातृभाषा, वो उसका तो छाप पड़ेगा ही पड़ेगा, इस वजह से जो आर को ड लिखा गया है, ठीक है। ड तो खड़ी है, आगे बढ़ते हैं। इसको स भी बोलते हैं, इसको ज भी बोलते हैं। ज कैसे बोलते हैं, तो मान लीजिए कि आई एस जो है, इसमें एस को क्या बोलते हैं, इस नहीं इज बोलते हैं। ए एस में एस को क्या बोलते हैं, एस, ए एस नहीं, इसको ज बोलते हैं, एज बोलते हैं। सूज देखिए, बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिले। वॉच देखिए, वो वॉच को तो शुरुआती जो लोग पढ़ते हैं वास पे पढ़ते हैं, वास वास, इतना गलत हो जाता है ना, वॉच, इसको ज बोलते हैं, यही वजह है। अब चलिए टी को टाता तो बोलते हैं, चसा भी बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा। जैसे टी यू आर ई क्या उच्चारण हो रहा है, चर बोलते हैं, या टी यू ए एल क्या उच्चारण हो रहा है, चूवल, क्या बोलते हैं, चूवल, एक्चुअल। अब वर्ड मीनिंग देखिए, चर से होता है नेचर, फर्नीचर, चूवल से एक्चुअल, फैक्चुअल। अब देखिए सा के लिए कौन कौन सा उच्चारण, टी आई ओ एन को बोलते हैं, टी आई के बाद है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर टी आई ओ एन, इसको बोलते हैं सन, इससे वर्ड मीनिंग बनता है एक्शन, कंडीशन जैसे वर्ड्स, और भी बहुत सारे वर्ड बन जो जो कि ये सब लास्ट में आते हैं। फिर देखिए टी आई, टी के बाद आई है, ए एल है, सी एल, तो देखिए सी एल से भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, जैसे एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। तो ये सब वर्ड मीनिंग जो है, जो हमेशा पार्ट्स के रूप में काम करते हैं, लेकिन उच्चारण तो टी का च और श तो हो ही रहा है ना, इस बात को आपको समझना होगा। बहुत कम लोग इस तरह का जानते हैं, इसी वजह से लोग अटक रहे हैं, सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप आपने देखा होगा कि जो कि स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, गलत उच्चारण कर देते हैं, तो क्यों, इसी वजह से उनको उतने विशेष तरह से नॉलेज नहीं है और डीपली नॉलेज नहीं, इस वजह से। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है, जो है उनके बारे में ही है, और पढ़ाई को हमेशा देखिए कहीं ना कहीं हर लोग से सीखना चाहिए। तो चलिए अब देखिए, व भी, व के लिए भी का इस्तेमाल होता है और डब्लू भी इस्तेमाल होता है, भ भी। अब यहाँ भी तो भ को बताइए, भी को भ क्यों बोलेंगे, भी मिलता जुलता है ना। देखिए कुछ बहुत सारे लोग जो है बंगाल में आप देखेंगे कि वीडियो नहीं बोलते हैं, बेंगलुरु लोग वीडियो, वीडियो। मैंने सुना है कि बंगाल में लोग कुछ जो है, कुछ लोग जो हैं आ रहे को जो है आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मतलब मिक्सअप करके बोलते हैं, मतलब आ रहा को एक साथ कर बोलेंगे, जा रहा को एक साथ कर, जा भी और रहा को भी एक साथ कर, जा रहा है, जा रहा, र तो गायब ही कर देते हैं, जैसे कि इंग्लिश में आर का उच्चारण एकदम सीधा बिल्कुल गायब कर दिया जाता है ना शुद्ध उच्चारण के लिए, उसी तरह से। तो चलिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, एक्स को ई एक्स को देखिए, ई एक्स भी एक्स का जब उच्चारण कहीं लिखा रहे तो भी एक्स ही उच्चारण हो गया, या एक्स, ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं, दो बात है, ई एक्स को एक्स भी बोलेंगे, एक्स भी बोलते हैं, और एक्स का उच्चारण जो है जैसे ओ एक्स है तो क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। अब ई एक्स सी यू एस ई जो है, इसमें एक्स को क्या बोलते हैं,
जाहिर सी बात है एक्स एक्सक्यूज या ई एक्स, ए एम में एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स एग्जाम एग्ज बोलेंगे, यहाँ पर एग्ज बोलेंगे, यहाँ पर एक्स बोलेंगे, एग्ज एक्स एग्ज। दूसरे बात दोस्तों के को क बोलते हैं, सी को भी के बोलते हैं, क के लिए और भी उच्चारण है, जैसे क के लिए क्या क्या है, सी के से क, क्यू से क, क्यू यू ई से क और सी एस से क, ये चार का है, सी से का के से का, छः का हो गया, ड से ड के लिए डा, तो अब मैंने एक वर्ड लेते हैं, सिंपल वर्ड है, नाम सुना ही होगा ना उच्चारण, ग्रेजुएट ग्रेजुएशन। तो बताइए डी को यहाँ पर क्या ग्रेजुएट पढ़ते या ग्रेजुएट पढ़ते या ग्रेजुएट, तो आप कहेंगे ग्रेजुएट ही ज़्यादा सही है। तो जाहिर सी बात है डी को ज तो उच्चारण हो रहा है, अब ज कहाँ कहाँ, डी के साथ, जी के साथ, जे के साथ, एस के साथ और जेड के साथ भी ज बोलते हैं, तो ये सब चीज़ों का समझना होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और जो हमारा है इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉवेल्स पे आते हैं, इसका दिमाग में रखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अब चलते रहें अब समझने के लिए, एम ई ए डी ए एल, ठीक है, फिर लिख लेते हैं एम ए डबल एस, फिर लिखते चलते हैं एम ए एन मैन, फिर देखिए सी ए एल डी ई आर, मिक्सअप कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ ए, ठीक है, यहाँ पर कहीं ए लिखा हुआ है तो कहेंगे आप ए यहाँ लिखा हुआ है। अब बाकी अगर सभी जगह हम लोग क्या करते हैं ना कि जब अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक ही बात रहता है, अ ई ए ई आई ओ यू, वॉवेल जो हमारा है क्या वॉवेल, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, यही रखते हैं याद और इसी का उच्चारण डायरेक्ट करते हैं पहले, जिसके वजह से जो हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, जब सिंगल उच्चारण हो तो सिंगल तो उच्चारण करेंगे ही, ए को ए, ई को ई, आई को आई, ओ को ओ, यू को यू या डबल ओ को डबल ओ बोलेंगे, है ना, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में यही वॉवेल जब आते हैं तो आपको सोच समझ कर उच्चारण करना होगा। जी हाँ, सोच समझ कर अगर उच्चारण करेंगे तभी जो है आप सही उच्चारण कर पाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। अब मान लीजिए कि पी ओ एल आई सी ई, अब यहाँ उच्चारण कर दीजिए, अगर आप सोच समझ के उच्चार, इस वर्ड को तो आप जानते ही है, कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार है पूरे इंडिया में, सभी थाने जो पुलिस स्टेशन होते हैं तो अब यही स्पेलिंग लिखा रहता है, लोग जानते भी इसको कि पी ओ एल आई सी ई। अब भाई बहुत बड़ा विद्वान है तो आप सोचिए, कोई जो समझ रहे हैं कि लिखते हैं क्या, हिंदी में भी लिखा रहता है वहाँ पर इसी तरह से लिखा रहता है, एक्चुअली हिंदी ये नहीं है, इंग्लिश का ही हिंदी कर दिया गया है। अब बताइए ये जो लिखा हुआ है क्या यहाँ पर उसी तरह लिखा हुआ है, पी ओ एल आई सी ई, तो पी ओ से भाई बताइए जो ऊ हो रहा है क्या, अगर आप समझते हैं ओ को हमेशा ओ ही बोलते हैं ना, तो हम लोग तब भी ओ पुलिस नहीं बोलते, हम लोग पुलिस ही बोलते हैं, करेक्ट बोलते हैं, अब ये करेक्ट ही है पुलिस, क्योंकि दोस्तों ओ को सिर्फ ओ ही अगर वो पढ़ते रहते ना तो गलतियाँ ही गलतियाँ होती, ओ को ऊ भी बोला जाता है, इस वजह से जो है सही हो जा रहा है यहाँ पर पुलिस। नहीं सोचिए पुलिस, कई बार बहुत सारे कंट्री में पुलिस भी लिखा जाता, तो वहाँ भी सही है, वहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने देखा है कि एक स्पेलिंग है बिहार का, बिहार का स्पेलिंग आप दिमाग में रखिए तो ठीक क्या होगा, मैं इस स्लाइड के बाद मैं बात करूँगा कि बिहार का स्पेलिंग क्या पहले लोग लिखते थे, ठीक है, अब क्या लिखा जाता है। तो खैर अब ये हो गया दोस्तों, तो यहाँ देखिए ए मेडल में ए को क्या पढ़ा गया, अ पढ़ा गया है, मास में ए को क्या पढ़ा गया, आ पढ़ा गया है, मैन में ए को क्या पढ़ा गया, ए पढ़ा गया है, ए ए का पढ़ा जाता है, तो एम के मान ली ए के बाद जैसे ही डी, ए के बाद जैसे ई आया तो ए का उच्चारण ए के रूप में पढ़ा जाता है, तो यहाँ मेड पढ़ा गया ना। कैलेंडर में देखिए क ए पहला ए को ए, क दूसरा ए को ए, और फिर जो ई जो है ई को अ पढ़ा गया, कैलेंडर कैलेंडर, अब कैलेंडर नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हो, पहला ए को जो है यहाँ पर ए पढ़ा गया, दूसरा ए को ए पढ़ा गया और ये जो ई है उसको अ पढ़ा गया, कै
लैंडर ना कि कैलेंडर या कुछ, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो इसको ये इसी सॉल्व होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर समझी, और आप देखेंगे कि आने वाले लास्ट स्लाइड में मैंने एक रखा है बहुत ही आपको समझाने के लिए कि भाई किस तरह से आप समझ सकते हैं वहाँ पर। अगर आप समझ जाते हैं तो मान लीजिए या प्रैक्टिस कर लेते तो आपके लिए कोई भी अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो चलें, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, तो अब देखिए दोस्तों, यू को सिर्फ यू ही नहीं बोलेंगे बल्कि आऊ बोलेंगे, और ओ को नहीं आऊ, और आई को सिर्फ आई ही नहीं बल्कि आई, और ई को डबल ई ही नहीं बल्कि अ आ ए भी बोलेंगे, है ना। तो चलिए यू को ऊ ही नहीं बोलेंगे बल्कि अ आ वो भी बोलेंगे, वो बोलेंगे। एक और बात समझिए कि मान लीजिए ये सब तो समझ, ई को यहाँ पर क्या बोला गया, तो अ बोला गया है, ये सब चीज़ तो हो गया ना। एस सन, देखिए एस ओ एन सन में ओ को क्या बोला गया, तो आ बोला गया अ। देखिए एस यू एन सन में यू को क्या बोला गया, तो आ बोला गया, है ना। फ्लड के लिए देखिए स्पेलिंग एफ, एफ हो गया, एल डबल ओ डी में फ्लड में डबल ओ को क्या बोला गया है, तो आ बोला गया, फ्लड। तो ये चीज़ है। अब चलें आगे बढ़ते हैं, तो अब वर्ड्स पे आ जाते हैं, थोड़ा तेज़ी में चलेंगे। क्या जो लिखा है उसको पढ़िए, लैम्ब बास्ट, नेक्स्ट लैम्ब डस, लैम्बेंट ई एन टी को एंड बोलते हैं लैम्बेंट, लैम्बर्स ई आर को आर लैम्बर्स हो गया, लैम्बर्ट लैम्बर्ट हो गया, क्योंकि ई को यहाँ पर आ बोला गया, यहाँ पर आ बोला गया, यहाँ पर ए बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लैम्बेथ, नेक्स्ट है लैम्बियन, आई एन को एन बोलते हैं, नेक्स्ट है लैम्बियर, आई आर को ईयर बोलते हैं, लैम्बियर है ना, आई आर को ईयर बोलते हैं। अब लैम्बी आई एस को क्या बोलते हैं, आई ई एस को इज बोलते हैं, इज, ठीक है। तो लैम लैम्बीज क्या उच्चारण, लैम्बीज हो रहा है। नेक्स्ट है लैम्बिंग हो गया, लैम्बिंग, नेक्स्ट लैम्बकिन, नेक्स्ट है लैम बॉयज, नेक्स्ट है लेम्ड, नेक्स्ट है लेमिला लेमिला, नेक्स्ट लेमेंट्स, उसके बाद देखिए लेमेंट के बाद यहाँ पर देखिए लेमर्स, नेक्स्ट है ला लेमिटर, नेक्स्ट है लेमेटा, नेक्स्ट लैमिकास, नेक्स्ट है लैमिग, नेक्स्ट देखिए लैमिने, उसके बाद देखिए लैमिनल, ए अल्कोहल बोलते हैं लैमिनल हो गया, उसके लेमिना लैमिनस लैमिनिन लैमिटो लैमकिंस, नेक्स्ट है लैमस, नेक्स्ट लैमीज, आई एस को इज बोलते हैं तो लैमीज हो गया, नेक्स्ट लैमिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं लैमिंग, नेक्स्ट है लेमॉन्ट्स, नेक्स्ट देखिए लेमॉन्ट्स, नेक्स्ट लेमोर्स लेमोर्स हो गया, उसके बाद देखें लामोर लामोर्स लैम्पैड्स, नेक्स्ट देखिए लैम्पर्न, ये अन को अर्न बोलते हैं, पी लगा पर्न हो गया लैम्पर्न, आई है लैम लैम्पर्स लैम्पिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं लैम्पिंग, नेक्स्ट देखिए लैम्पियन, नेक्स्ट लैम्प्लीट, नेक्स्ट है लैम्पून, नेक्स्ट देखिए लैम्प पोस्ट लैम्प्रे लैम्प्रे, नेक्स्ट देखिए लैम्पुका, नेक्स्ट लैम्पुकी, नेक्स्ट है लैम्पंग पुंग, नेक्स्ट है लैम सन्स लैम्स्टर ईयर को आर लैम्स्टर, नेक्स्ट है लेनेटेड, एक के बाद ई है ऐसे भी टी जो टेड बोलते हैं लेनेटेड लेनेटेड, ठीक है लेनेटेड। देखिए लांसर लांसर्स, फिर देखिए लैंसेट्स लैंच लैंस्ड, फिर देखिए लैंचेस और है लैंसिया, उसको देखिए लैंसिंग लैंडोस, देखिए लैंसिंग हो गया लैंडोस लैंडोस, नेक्स्ट है लैंडोस, नेक्स्ट लैंडिंग, नेक्स्ट लैंडिंग्स, उसके बाद देखिए लैंड लैंडलर ई आर को आर बोलते हैं लैंडलर, लैंड मैन लैंड मेन, नेक्स्ट है लैंड सेट लैंड टैग, लेन वे, नेक्स्ट देखिए लंगा लैंगनस लंग लैंगर्स लैंगडन लैंजेल्स लैंगर्स,
लैंजेस्ट, लैंगम, लैंगली, लैंग्रेल, लैंग्रेस, लक्ष्मी ये हिंदी के शब्द हैं, लैंगटन, लैंग्वेड, लैंगेस, लैंग गेट, लैंग्वेड, लैंग गो, लैंगोस, लैन हैम्स, लैनियर्ड, लैनियरी, लैसेस, लैथली, एल वाई को ली बोलते हैं, लैटीज, आई एस को यूज, लैटीज, लेजो, लैनिंग्स, आई एन जी को इंग बोलते हैं, लैनिंग्स, लैनिटल, लैंकेस्ट, लैंकियर, लैंकली, लैंकिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, लैंकिंग हो गया, और ये लैंडमैन्स। दोस्तों ये सब चीज़ ये आपको समझना होगा, बहुत ध्यान से रखना होगा यार दिमाग में। तो देखिए ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आप इस तरह के वर्ड्स को रखते हैं दिमाग में, तो सोचिए कि अब वॉवेल्स का तो यूज हो रहा है, आपको समझ में आएगा कि कैसे कितने तरह से आप किसी चीज़ को समझ पाते हैं या रख पाते हैं नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक आपको सब कुछ दिमाग में रखते हुए आगे काम करना होगा लिखने का। तो चलिए उस पर ही बात करते हैं कैसे क्या लिखना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को आप डे वन से देखना चाहते हो तो ओमनिस इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाते हैं। वीडियो की संख्या 1000+ हो जाता है। आपको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे। बीथीजिए स्टेप देख, ग्रामर्स की बुक के रूल रेगुलेशन को याद नहीं करना है, मोटो डिक्शनरी के वर्ड्स को याद नहीं करना है, उसमें भी शॉर्टकट कर दिया गया है, और रूल रेगुलेशन जो है ग्रामर का उसको जाहिर सी बात है। दोस्तों वीडियो जब देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियोस को जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो लिखते समय बोल बोल के लिखना है, यही आपका मेन काम करना है। एक तो कॉपी बन जाएगा जिससे कि आप बार बार रिवीजन हो गए, आपको हमारे वीडियोस पे कम डिपेंड होना होगा। अब देखिए अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखा है, इसको बात थोड़ा सा मैं तेज़ी चलूँगा। तो देखिए ये जो है दोस्तों टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करूँगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि कई वर्ड जो लंबे लंबे होते हैं उसको नहीं लोग पढ़ पाते। कारण क्या होता है कि उनको पता नहीं होता है कि कुछ ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो, जैसे कि मैंने सन के बारे में बात किया था। अब यहाँ देख रहे होंगे आपकी टी एन जो सन है, तो ये क्या मैंने लिखा है, नहीं वो आ गया है, और लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं तो उनमें यही सब पार्ट्स बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको आपको समझना होगा, याद रखना होगा कुछ 40 से 50 पार्ट्स के। और अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रख लेते हैं तो उनको दिक्कत हो जाए। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड दो तरह के होते हैं, एक सफिक्स एक प्रीफिक्स। जो शुरू में आते हैं वो हमारा प्रीफिक्स, जो अंत में आएगा वो सफिक्स हो गया। बीच वाले को भवस को शुरू पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ कुछ पार्ट्स आते हैं, तो खैर जहाँ आएंगे वहाँ भी आप समझ जाएंगे। तो प्रैक्टिस के थ्रू ये सब डेवलप हो जाएगा, तेज़ी में पढ़ पाएंगे, वहाँ पर भवल की आवश्यकता नहीं। चलिए करते होता है, आप सर्कल कीजिए क्या वो आप समझेंगे, याद करेंगे, लिख लेंगे। देखिए इन जो है प्रीफिक्स पार्ट है, तो एन ई आर को बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, एंटर नेशनल, सन हो यहाँ हो गया जो कि पार्ट है, और एल को ये भी सफिक्स पार्ट है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के बाद ये इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडर गॉन ए सी चेंज इन द लास्ट डिकेट्स, डिकेट ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण एक रूप में हुआ है, डिकेट्स ई एक्स को क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, एक्सचेंज न कि एक्स बोल रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, आई एस को इज बोलते हैं, तो कमोडिटीज हो गया, कमोडिटीज़ है ना, कमोडिटीज़ एंड गुड्स हैव बीन सुपर ई आर को आर बोलते हैं, पी लगा पर, सुपर सीडेड बाई द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। नाउ देखिए नॉलेज, डी को जो है यहाँ पर सरेंड कर दिया गया, नॉलेज, नॉलेज या कह सकते हैं डी को ज भी बोला गया, जी को भी ज बोल सकते हैं, या दोनों के लिए ज इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्या डी यहाँ साइलेंट हो गया। तो इंडिया हैज ई मर्ज एज अ सॉफ्टवेयर के बाद ही है सॉफ्टवेयर जेंट एट इंटरनेशनल, वापस शुरुआती सब वर्ड है, लेवल एंड इट इज द अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू, इसे ऐसे ही याद रखिए, थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए सन यहाँ भी रिपीट हुआ है, टेक्नोलॉजी मैंने बताया ना, सी एस एस क्या होता है, यहाँ पर आ गया ना क होता है, तो ये देखिए क हो गया, टेक, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, आई एस को ईज बोलते हैं, टूरिज्म एज अ ट्रेड ए के बाद ई है तो एक अवचन एक रूप में हुआ, ट्रेड टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सबस्टेन, ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन, पी लगता पेन, आर लगता रेन, जी लगता गेन, कई वर्ड बन जाते हैं एन, तो सबस्टेंशियल, देखिए आई टी एल को ई सी एल बोलते हैं, हाँ सी एल भी है,
और एल वाई को ली बोलते हैं। तो सब्सटेंशियली ओवर ईयर को बोलते हैं, भी लगा वर हो गया, ओवर द लास्ट थ्री डिकेट्स फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री विटनेस्ड एन इंक्रीज, इसको यहाँ जब बोला गया इंक्रीज ऑफ 4.5% ENT को एंड बोलते सी लगा सेंट हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2015 एज अगेंस्ट द ईयर 2014। सी उनको कन बोलते हैं, कन हो गया कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 1,35,193 crores ऑफ फॉरेन, जी एन को यहाँ पर जी साइलेंट है, इनका उच्चारण हुआ ऐसा, फॉरेन एक्सचेंज इन 2015 8.03 million फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड टीडूटेड बोलते हैं इंडिया इन 2015, मोर देन मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। आई एस कुछ बोलते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री, टी आर को ट्री इंडस्ट्री हो गया। तो इस तरह से आपको जो सर्कल किया है उसको ध्यान से रखिएगा, जैसे इंडस्ट्री में यू को इन हो गया प्रीफिक्स पार्ट है ना, और टी आर वाई ट्री को जो है सफिक्स पार्ट बोलते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से ध्यान में रखिए अच्छे से। अब चलिए दोस्तों एक बात और, हमेशा जो है वोवेल्स को कैसे याद रखें इसको समझिए। सभी वोवेल्स में अ और आ तो उच्चारण होंगे ही, ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो इस तरह से पाँच में से चार चार यहाँ हो जाते हैं, वो यू डबल में से यू को बढ़ा लीजिए तो यहाँ पर तीन तीन हो जाते हैं। बाकी अब यू को देखिए, यू कहते हैं यू को, आई को आई, ई को सॉरी ए को ए तो कहते ही है ना, ए को ए कहते हैं, ई को डबल ई यहाँ पर है, तो बाकी इसे ही है। और देखिए प्रैक्टिस कैसे ए से ई से आई से ओ से यू से डबल ओ से वर्ड्स ले लीजिए, और कम से कम देखिए वो आप मिक्सअप ले सकते हैं, 200 ऐसे वर्ड्स ले लीजिए जो कि कोई तरह के वर्ड हो, लेकिन आपको क्या करना है कि उसका स्पेलिंग करेक्ट लिखा होना चाहिए, उसका उच्चारण करेक्ट आना चाहिए आपको। पहला अगर ऐसा 200 वर्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये बस सिंपल बात यही दोस्तों कि एक काम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो वर्ड्स जब लिख लेंगे सीक्वेंस में कोई जरूरत नहीं, तो अब उसमें चेक करेंगे कि ए को क्या बोला गया, ओ को क्या बोला गया, इस तरह से। तो ए को यहाँ पर आ बोला गया है सॉल्ट में, कंपनी में सॉल्ट में ए को क्या बोला गया तो आ बोला गया है, केयर में ए को क्या बोला गया है तो ए बोला गया है, मैप में ए को क्या बोला गया है तो ए बोला गया है, परफेक्ट में दो ई है, पहला ई को दोस्तों आ बोला गया है, दूसरा ई को जो है ए बोला गया है यहाँ पर, है ना। प्रीफिक्स में जो ई है उसको छोटी को छोटी, बड़ी को बड़ी बोला गया है, टेन में जो ई है उसको ए बोला गया है ना, टेन में जो ई है उसको ए बोला गया, आई एस आई एस आर में आई को क्या बोला गया है तो अ बोला गया है, फिग में आई को क्या बोला गया तो छोटी, टीन में आई को क्या बोला गया तो बड़ी, लाइन में आई को क्या बोला गया है तो आई बोला गया लाइन। अब देखिए एस एन साइन में ओ को क्या बोला गया है तो अ बोला गया है, आउट में ओ को क्या बोला गया है तो आ बोला गया है, मून में डबल ओ को क्या बोला गया तो ऊ बोला गया है, मोटो में दो है एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, ओ डबल टी के साथ तभी ओ का उच्चारण ओ ही हो रहा है। अब देखिए बी यू टी बट में यू को क्या बोला गया है तो आ बोला गया है, प्यू टू पुट में यू को क्या बोला गया ऊ पुट, ट्यून में टी यू यानी ट्यून है ना, तो बट में अ बोला गया है, पुट में यू और ट्यून में जो है यू बोला गया ट्यून। अब देखिए दोस्तों उसके बाद एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ को क्या बोला गया, डबल ओ को अ बोला गया, एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ को क्या बोला गया तो ऊ बोला गया है लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे कीजिए। उसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो जैसे वैसे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए और अधिक से अधिक वर्ड्स को सुनिए, कोई भी समस्या नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखे मतलब वर्ड्स के स्पेलिंग भी जो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। दोस्तों देखिए इस वीडियो में यहीं तक, और बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो तो ध्यान रखना, धन्यवाद, थैंक्स का धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।